नमस्कार। भगवत गीता और दान, ये बात हम बता रहे थे, ये तीसरा भाग। पहले दो भाग बता दिए हैं हमने, भगवत गीता दान के बारे में क्या क्या कहती है और उसका क्या महत्व है। तो ये दान के बारे में हम फिर से आज बात करने वाले हैं, भगवत गीता और दान के बारे में। तब हमने देखा कि सुपात्र दाना च भवेत धनाढ्यो, ये सब देखा कि वो अच्छे दान करने से क्या क्या होता है और बुरे दान, गलत दान किया तो क्या क्या हो सकता है। तो गीता बताती है कि देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। वो दान सात्विक है, देश को आगे ले जाएगा, राष्ट्र को आगे ले जाएगा, व्यवस्था को आगे ले जाएगा। आज और वो बात अलग है, सभी कमाने वालों को जो बुद्धि होती है वो खर्च करने वाली बुद्धि कमाने वालों पे नहीं होती, वो नहीं है। श्रीमंतों को भी कहाँ दान करना है उसके लिए विद्वानों को पूछना चाहिए। भारत में ये परंपरा थी, इसके लिए वशिष्ठ के पास, व्यास के पास सब लोग आते थे कि इसका खर्च कहाँ करें। तो बताते ही थे कि ये व्यवस्था को टिकाने के लिए खर्च करो, इसके लिए पूरी गुरुकुलम सिस्टम डेवलप हुई। हजारों बच्चे पढ़ते थे उधर, 60,000 एक तपोवन में पढ़ते थे। किस समय? जिस समय और देशों को कपड़े पहनने की भान नहीं थी, एजुकेशन क्या होता है वो पता नहीं थी, उस समय शैशव दशा में देश प्राय जिस समय सब व्याप्त थे, निशेष विषयों में तभी हम प्रौढ़ता को प्राप्त थे। आए नहीं थे स्वप्न में भी जो किसी के ध्यान में, वो प्रश्न पहले हल हुए थे एक हिंदुस्तान में। तो एक हिंदुस्तान में प्रश्न हल हुए, मैथिली शरण गुप्त जी बता रहे हैं कि वो निःशुल्क पढ़ते थे, वो बिना शुल्क दिए 60,000 लोगों की व्यवस्था किस पर होती थी? दान पर होती थी, वो सात्विक दान था। इसके लिए लंबी व्यवस्था टिकाने के लिए वो दान आया। अनेक वैद्य तैयार हुए, अनेक गाँव में वैद्य गए, एक भी गाँव अस्वस्थ नहीं था, रोगी नहीं था। नमेस्तेनो जनपदे न कर दियो न मध्य बह, ऐसा रामायण में जो बताया, क्यों ये साकारित हुआ? दान हुआ तो डोनेशन दिया, दान दिया। और वो भी कैसे दान? कीर्ति के लिए नहीं। तो दान के भी प्रकार बताए महाभारत में कि दान लेने वाले की बहुत योग्यता चाहिए, कोई भी दान नहीं ले सकता है। चार लोगों ने ट्रस्ट बनाया तो वो ट्रस्टी दान नहीं ले सकते, उसको कहां पता है कितना उपयोग कहां करना है। जिसने अर्थशास्त्र पढ़ा है, भारतीय अर्थशास्त्र पढ़ा है, भारतीय शास्त्र पढ़ा है, वही दान ले सकता है, वो उपयोग कर सकता है। तो उपयोग करने का, जो नहीं तो संचय करेगा वापस। अभी हम दान देते तो ट्रस्ट संचय करने लगता है, तो एक एक ट्रस्ट करोड़ों करोड़ों इकट्ठा करता है दान के नाम पर, तो ट्रस्टी को पता नहीं। तो ऐसे ट्रस्ट की व्यवस्था तो अंग्रेज आने के बाद आएगी। पहले व्यक्तिगत रूप से ऋषि को देते थे, ऋषि उसका संविभाग करते थे, इसलिए दानम नाम संविभाग। ये शंकराचार्य के शंकर भाष्य में आप दान का अर्थ देखें तो दानम नाम संविभाग, किसको कितना देना है उसका पूरा हिसाब है। एक भी पैसा गलत जगह नहीं जाना चाहिए, अव्यवस्था में नहीं जाना चाहिए। इसके लिए धर्मार्थम धर्मार्थम दानम, धर्मार्थम ब्राह्मणे दानम, यशोर्थम नट नर्तके, संग्रहार्थम च वृत्तेषु, भयार्थम चैव राजसु, ऐसा बताया। युधिष्ठिर ने जब प्रश्न किया कि कैसे दान है तो चार प्रकार के दान बताइए, महाभारत में ये वर्णन है। क्या वर्णन है? कि दान चार लोग देते हैं, जैसे कि कोई अच्छी व्यवस्था के लिए प्रसन्न होकर, कोई प्रकार के दबाव के बिना एक व्यवस्था टिके, इसके लिए रिप्रेजेंटेटिव व्यक्ति को दान देते हैं, वो सात्विक दान है। ब्राह्मण दान माने विद्वानों को, समझने वाले को, पंडित को दान देते हैं। फिर यशोर्थम, यश पाने के लिए हम कुछ कार्यक्रम करते हैं, कलाकारों को बुला लेते हैं और पैसा फेंकते हैं, वो दान धर्म दान नहीं, वो यश के लिए आपने किया, उसका कोई फल ऊपर नहीं मिलेगा, ये पक्की बात, क्योंकि यश के लिए किया। वो यश मिल गया आपको, सबने देखा उसने पैसा उड़ाया और लोग ने तालियां बजाई, तो वो सबने नोट दे ली, वो व्यवस्था टिकाने के लिए दान नहीं हुआ, तो ये धर्म दान नहीं है, वो यशोर्थम नट नर्तके। फिर नौकर आया, उसको अच्छा है देने का, लेकिन वो देते वो धर्म बुद्धि से नहीं देते आप, वो फिर हमारे से जुड़ा रहे, हमारा काम करे, दूसरी जगह भाग न जाए, इसलिए देते हैं, तो वो संग्रहार्थम देते हैं, वो देना खराब नहीं है, लेकिन उसको धर्मदान में नहीं देना चाहता है। और जो आप टैक्स पे कर रहे हैं, भयार्थम चैव राजसु, तो राजाओं को जो देते हैं, सरकार को देते हैं, वो टैक्स पे करते, वो दान धर्मदान नहीं है,
इसका मतलब ये नहीं है टैक्स पे नहीं करना चाहिए, लेकिन टैक्स पे करना वो धर्मदान नहीं है। वो भाग निकाला तो धर्म का अलग से निकालना पड़ेगा। टैक्स दिया तो भय से दिया है, वो प्रसन्नता से नहीं दिया है, वो देना पड़ रहा है, नहीं तो भय के भय है राजा का। चार दान बताए तो अमेरिका में देखिए रॉकफेलर का फाउंडेशन हुआ, लाइब्रेरियां बनाई, अनेक पुस्तक अनेक जगह पर रखे, रॉकफेलर फाउंडेशन उसकी कॉपी करके अनेक धनाढ़ियों ने ऐसे फाउंडेशन बनाए दान करने के लिए। अपनी संपत्ति का लॉन्ग लाइफ, केवल लॉन्ग लाइफ नहीं, जाने के बाद भी व्यक्ति अच्छा उपयोग कर सके, साइंटिस्ट तैयार हो पाए, अपनी विद्या जो उनकी विद्या थी पाश्चात्य विद्या उनका प्रचार करने के लिए कितना प्रयत्न किया और कितना दान दिया, इसके लिए अमेरिका देखिए कितना आगे आ गया। डॉलर के सामने रुपया कहाँ है, हम एक तरफ देखते हैं भारत की भूले नहीं, अमेरिका ने किया क्या गीता में बताया है, और नहीं जानते गीता, लेकिन जो किया है वो गीता के अनुरूप है, इसलिए परिणाम मिला है। हमने गीता जानी, पारायण किया, किया क्या, किसको दान दिया हमने, क्रिश्चियन मिशनरी इधर आई, कितनी स्कूल बनवाई, इंग्लिश मीडियम, नर्सरी, कॉन्वेंट, दान कहाँ से आया, भारत से लिया वो दान, हमने दिया वो दान, और कॉपी करके हमने भी वो विद्या में पैसे दिया ले, वो अपात्र दान है, कुपात्र दान है। धनाढ़ियों ने क्या किया, एक भी धनाढ़्य ने ऐसा नहीं सोचा कि मैं हमारी भारतीय विद्या जो है उसके ऊपर हम दान देंगे, गुरुकुल है उसको हम दान देंगे, गुरुकुल खड़ा करेंगे, चार लोगों को बुलाकर गुरुकुल खड़ा कर लेंगे, उसके ऊपर किसी ने प्रयोग नहीं किया क्योंकि हमारा आत्मविश्वास चला गया। अमेरिका ने इतना किया, रॉकफेलर तैयार हो गया, करोड़ों अब जो रुपए दान दे दिए, हमारा एक व्यक्ति 1,00,000 रुपए को दान में देने के नहीं आया, क्यों, नए प्रयोग करने पर डर लगता है, समाज का डर है, उसको ख्याति कीर्ति चाहिए, वो धर्मदान नहीं है। धर्मदान देने वाला ये सोचेगा कि मैं ये दूंगा कोई बात नहीं, मेरे मूल में पानी पाया, मूल में पानी जब आप देते ना दिखता नहीं है, वृक्ष को मूल में पानी दिया वो पानी प्रचार नहीं करता है, पानी की एडवर्टाइज नहीं होती है, हाँ पत्ते पर डाला तो एडवर्टाइज होगी, लेकिन पत्ते पर डाला हुआ पानी वृक्ष को पोषण नहीं देगा, मूल पर डाला हुआ पानी वृक्ष को पोषण देगा। ऐसे मूल पर जो शिक्षा व्यवस्था में दान देंगे, कोई भी मूल व्यवस्था, जो हमारी जितनी भी मूल व्यवस्था है भारत की वो गिन लीजिए, कृषि है, गाय है, शिक्षा है, गुरुकुल शिक्षा, वो शिक्षा स्कूल की नहीं, गुरुकुल शिक्षा है, अध्यात्म का जो काम है युवाओं को तैयार करने का, ऐसे अनेक कार्य मूल के कार्य है, उसमें यदि देंगे वो दिखेगा नहीं लेकिन वो पोषण करेगा, और ढोल बजा कर देंगे, तख्ती आएंगे बड़ी बड़ी, और मैंने दिया सबको ये कहेंगे तो स्कूल पे तख्ती लगेगी, लेकिन वो तख्ती आपके साथ नहीं आएगी, वो धर्मदान नहीं है, वो यश के लिए दिया हुआ दान है, वो ऊपर नहीं आएगा। कल्याणकारी जो व्यक्ति है उसको धर्मदान देना चाहिए, शोर्थम नटनर तक के ऐसे छोड़कर वो ऊपर उठे, उसकी चेतना वो ऊपर जाए तो उसको ऊपर का दान दे तो उसको गति भी ऊपर की होगी। ये कहकर गलत हमने व्यवस्थाओं पे दान दिया तो क्या हुआ, और अच्छी व्यवस्था पर दान देंगे तो क्या होगा, क्या हो सकता है, ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अभी आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए, ऐसे अनेक वीडियो भगवद्गीता के बारे में, शास्त्रों के बारे में आप तक हम पहुंचाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।